मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में हम डिस्कनेक्शन अप्रोच पढ़ेंगे। डिस्कनेक्शन अप्रोच एमएससी फोर्थ सेमेस्टर में जो लास्ट पेपर ऑनलाइन सिंथेसिस उसमें ये डिस्कस होता है। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच को सबसे पहले हम लोग उसके नाम जान जाते हैं। तो नाम में क्या है, रेटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या कहलाती है, जिसमें प्रोडक्ट पी से हम लोग रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसे किन किन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल से मिलकर अपनी अभिक्रिया को पूरा कर रहा है, तो इसको हम लोग डिस्कनेक्शन अप्रोच बोलते हैं या रेटोसिंथेसिस, ठीक है, रेट्रोसिंथेसिस कहते हैं या रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच बोल देते हैं। रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच, रेट्रोसिंथेसिस अप्रोच या फिर रेट्रोसिंथेसिस बोल दीजिए, ठीक है, रेट्रोसिंथेसिस बोल दिया या सिंथेटिक बैकवर्ड बोल दीजिए, जो सिंथेसिस की बैकवर्ड प्रोसेस होती है तो सिंथेसिस बैकवर्ड बोल दीजिए। और एक डिस्कनेक्शन अप्रोच तो आप लोग नाम जान ही रहे हैं, तो डिस्कनेक्शन अप्रोच इसका नाम होगा। इसके तीन चार नाम हम लोग सीख चुके हैं, तो डिस्कनेक्शन अप्रोच हो सकते हैं। इसमें हमारा मॉलिक्यूल क्या होगा, प्रोडक्ट पीस क्या है, कन्वर्ट होगा रिएक्टेंट में। जैसे कोई भी अभिक्रिया आर होती है, आर का मतलब है रिएक्टेंट, अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको हम लोग अभिकारक कहते हैं। वो अभिकारक किसमें कन्वर्ट होते हैं, किसी अभिक्रिया के पश्चात वो पी प्रोडक्ट या उत्पाद बनाते हैं। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो प्रोडक्ट जो उत्पाद बना हुआ है वो क्या करता है, टारगेट मॉलिक्यूल को फॉर्मलाइज करेगा। एक टारगेट मॉलिक्यूल यहाँ पर वर्ड यूज होगा, इसको हम टारगेट मॉलिक्यूल कहेंगे, टारगेट मॉलिक्यूल हम लोग क्या बोलेंगे, टारगेट मॉलिक्यूल, फॉर टारगेट एम फॉर मॉलिक्यूल। तो प्रोडक्ट ही टारगेट मॉलिक्यूल को यहाँ पे एनालाइज कराएगा, और उसके बाद क्या होगा, रिएक्टेंट मटेरियल जो होंगे वो जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले पार्टिकल्स होंगे तो रिएक्टेंट होंगे, वो आर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होंगे, वो किस प्रकार से बने होंगे, अभिक्रिया हमारी किस प्रकार से पूर्ण हुई होगी, तो उसको हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जो रिएक्शन का मोड है, जो अभिक्रिया किस प्रकार से प्रदर्शित की जाएगी, तो उसको हम लोग पी लिखते हैं, पी फॉर प्रोडक्ट, ये कन्वर्ट हुआ आर फॉर रिएक्टेंट, और इसको हम लोग इस प्रकार से एरो के निशान पे शो करते हैं, इसको डिस्कनेक्शन अप्रोच का एरो बोलते हैं, डिस्कनेक्शन अप्रोच एरो, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, रेट्रोसिंथेसिस, या इसको हम लोग क्या बोले, रेट्रोसिंथेसिस एरो, ये किसमें कन्वर्ट हुआ, रिएक्टेंट में, ये रिएक्टेंट हमारा क्या होगा, टीएम हो गया, टीएम मतलब टारगेट मॉलिक्यूल। अब टारगेट मॉलिक्यूल में हमारा किस प्रकार से प्रोडक्ट बना हुआ होगा, तो दो कंडीशंस है, जो डिस्कनेक्शन अप्रोच को आइडेंटिफाई करने की जो मेथड है वो दो मेथड्स है। एक क्या है, हम फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन करते हैं, फंक्शनल ग्रुप FGI जिसको बोलते हैं, फर्स्ट है FGI, F फॉर फंक्शनल, G फॉर ग्रुप, I फॉर इंटर कन्वर्जन, फंक्शनल ग्रुप का इंटर कन्वर्जन करते हैं फर्स्ट, या सेकंड इमेजिनेशन ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, हम लोग इमेजिन करते हैं कि बॉन्ड यहाँ से टूटा होगा और इस तरह से ये मिल करके हमारा प्रोडक्ट पी को फॉर्मलाइज किया होगा। तो टारगेट मॉलिक्यूल को फॉर्म करने की, जो हमारी टारगेट मॉलिक्यूल, या तो हमको रिएक्शन एक्चुअल में कंडीशन में पता हो, लेकिन अगर नहीं पता है तो उस स्थिति में हम इमेजिन करते हैं, तो दो ही प्रोसेस है जो इसको आइडेंटिफाई कर पाती है डिस्कनेक्शन को। फर्स्ट है डिस्कनेक्शन अप्रोच डिटरमाइंड बाय द इमेजिनेशन ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, सेकंड वन है फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन, इसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप आइडेंटिफिकेशन या FGI, शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, FGI बोलते हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। तो हम लोग फंक्शनल ग्रुप का इंटर कन्वर्जन करके फिर आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारे टारगेट मॉलिक्यूल या रिएक्टेंट मॉलिक्यूल होगा और इस तरह से प्राप्त हुआ होगा। तो यहाँ पे देखिए, कोई जेड मॉलिक्यूल, हम रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर देते हैं, कोई जेड मॉलिक्यूल है, जेड कोई हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, टारगेट मॉलिक्यूल मैंने इसको लिख दिया, टारगेट मॉलिक्यूल है, ये क्या होता है, रेट्रोसिंथेसिस एरो के द्वारा शो किया गया, इसका मतलब ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एक्स और वाई मॉलिक्यूल में, एक्स और वाई मॉलिक्यूल, तो ये दोनों क्या हो गया, एक्स वाई सिंथेटिक मटेरियल हो गई, इसको बोलोगे सिंथेटिक मटेरियल, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सिंथेटिक मटेरियल, एक्स और वाई सिंथेटिक मटेरियल हो गया, और ये हमारा हो गया टारगेट मॉलिक्यूल, ये हमारा क्या हो गया टारगेट मॉलिक्यूल हो गया, ये रेट्रोसिंथेसिस एरो हो गया, रेट्रोसिंथेसिस एरो के बाद ये हमारा क्या एक्स और वाई जो बना हुआ सिंथेटिक मटेरियल हो गया, और ये रेट्रोसिंथेसिस एरो के इसमें अब
इसका जो फॉर्मेशन है वो हम क्या है एफजीआई दो प्रोसेस एफजीआई और एक इमेजिनेशन बॉन्ड ब्रेकिंग की प्रोसेस द्वारा हम एक्स और वाई का फॉर्मेशन यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि हमारा डिस्कनेक्शन प्रोसेस किस प्रकार से हुआ होगा। इसमें कई एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल का डिस्कशन भी कर लेते हैं। अदर एग्जाम्पल्स है, ये क्लियर हो गया। जेट हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है, रिट्रोसिंथेसिस प्रोसेस का एरो शो करेंगे और एक्स और वाई जो बना हुआ है वो सिंथेटिक मटेरियल है। तो इसको हम लोग दो प्रोसेस में आइडेंटिफाई करेंगे, टारगेट मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड इमेजिनेशन है बॉन्ड ब्रेकिंग के थ्रू कर देंगे या फिर फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करेंगे, फंक्शनल ग्रुप का इसका इंटर कन्वर्जन करके और फिर रिएक्शन को हम लोग यहाँ पे शो करेंगे। तो हमारे पास एग्जाम्पल्स है, बहुत सारे अदर एग्जाम्पल्स हैं आपकी बुक में भी दिए होंगे। तो डिस्कनेक्शन अप्रोच के अदर एग्जाम्पल्स ले लेते हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल्स अदर एग्जाम्पल्स है अदर एग्जाम्पल्स 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 में हम लोग कोई इस तरह वाला एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे पीएच ओ सी डबल बॉन्ड ओ पीएच, ये है, ये कोई इस्टर है, इसको हम लोग रिएक्शन कराते हैं, रिट्रोसिंथेसिस रिएक्शन होंगे है ना, तो इसलिए इस तरह का एरो शो करेंगे। अब इसमें से बॉन्ड हमारा कहाँ से ब्रेक हुआ होगा, तो बॉन्ड ब्रेक होने की कई सारी पोजिशन है, हम बॉन्ड कहाँ से ब्रेक कर रहे हैं तो इसको हम लोग इमेजिन करते हैं कि ये इमेजिन हम लोग सपोज कर रहे हैं कि यहाँ से बॉन्ड टूटा हुआ होगा। तो ये जो बॉन्ड टूटने की प्रक्रिया है वो हम लोग इसमें दो विधियों द्वारा कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन करके और एक इमेजिनेशन ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग। हम लोग वहाँ पे ये सोचते हैं कि यहाँ पे ये बॉन्ड टूट करके ये हमारा रिएक्टिव मॉलिक्यूल होगा और इससे बना हुआ होगा। तो ये वैगिंग लाइन यूज होती है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वीकली लाइन्स होगी। हम लोग जो बॉन्ड को तोड़ेंगे ये वीकली लाइन्स ऐसे करके बॉन्ड को तोड़ते हैं, ध्यान रखिएगा बॉन्ड को जहाँ कहीं ऐसे बॉन्ड नहीं तोड़ते हैं। अभी आप लोगों ने देखा होगा इसमें हम केमिस्ट्री में क्या करते थे, बॉन्ड को तोड़ते हैं, तो यहाँ वीकली लाइन के थ्रू हम लोग यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक डाउन करेंगे और इमेजिन करेंगे कि हाँ बॉन्ड यहाँ से टूटा होगा, ये इलेक्ट्रिक दो मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होकर के ये पी प्रोडक्ट को फाइनलाइज किए हुए। तो वीकली लाइन्स को यूज करेंगे, रिट्रोसिंथेसिस एरो हो गया, रिट्रोसिंथेसिस एरो से अब हम लोग वहां से अगर बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो ये पी एच सी ओ के बाद क्या होगा, हाइड्रोजन जुड़ जाएगा मान लीजिए और प्लस दूसरा मॉलिक्यूल क्या होगा मान लीजिए एसिटिल क्लोराइड बेंजाइल क्लोराइड का कोई मॉलिक्यूल है, तो ये इस तरह से पी एच इसको बोलोगे बेंजाइल बेंजाइल क्लोराइड क्लोराइड और ये क्या है बेंजाइलिक एसिड। ठीक है, ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या है, ये जो ए मिला है हमको इसको स्टार्टिंग मटेरियल बोलेंगे, ये क्या कहलाएगा स्टार्टिंग मटेरियल, इसको हम क्या कहेंगे स्टार्टिंग मटेरियल, ये हम लोग को स्टार्टिंग में बना हुआ मिल रहा है। ठीक है, मैंने इसका कंपाउंड का नेम ही कर दिया यहाँ पे, ये नाम क्या है, लेकिन एक्चुअल में दोनों क्या है स्टार्टिंग मटेरियल है। वैगिंग लाइंस के द्वारा हम लोग बॉन्ड को ब्रेक करते हैं और रिट्रोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए हम लोग इस तरह डबल हेड एरो यूज करते हैं इसको है ना, और ये इस तरह से वीकली लाइन और बॉन्ड ब्रेक को हम लोग यहाँ पे शो करते हैं। अब हम लोग यहाँ पे दो वर्ड्स सीखेंगे, दो वर्ड हमने टारगेट मॉलिक्यूल सीख लिया, एफजीआई को थोड़ा थोड़ा नाम सुन लिया। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या